हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा लेक्चर है हमारा, क्लास 12th, चैप्टर 1, रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन फंक्शंस में आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और जब तक सभी स्टूडेंट्स को कॉल कीजिए, फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें सेशन को। और जब तक आप ज्वाइन करते हैं, 2 मिनट में इसको शुरू करते हैं हम। तब तक हम रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है। स्टूडेंट रिवीजन करते हैं जरा। रिलेशन फंक्शंस बोला जाता है बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आज हमारा ख़त्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर है नहीं, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वही करने होते हैं, पेपर में वही आते हैं। और कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं और छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि रिलेशंस स्टूडेंट्स क्या था। हमने ना परसों क्लास ली थी, कल से पहले, कल हमने फंक्शन पढ़ाया था, उससे पहले रिलेशन था। रिलेशन था क्या? रिलेशन हाँ स्टूडेंट्स, केवल 20 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हैं। हम इसको रिवीजन शुरू करते हैं और मेरे पास भी इसका लाइव फीड अभी नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, और मेरे पास भी इसका लाइव फीड अभी नहीं आया है। आज तो बहुत जल्दी आ गया है। चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। हाँ देखिए स्टूडेंट रिवीजन, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है। स्टूडेंट रिवीजन में देखें, 1.1 में टोटल हम 1.1 कैसे बात कर रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.6, केवल 6 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। 6 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। और ऐसे 2.1, 2.2, 2.3 सेकंड चैप्टर में चलेंगे। 13 चैप्टर हैं और 13 चैप्टर में हमारे 100 पॉइंट्स, 100 मार्क्स। स्टूडेंट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, ये हमारा इफेक्टिव ही है, कई साल से मैं करा रहा हूँ। 100 पॉइंट्स आप पॉइंट वाइज पढ़िएगा और आपके 100 मार्क्स पूरे आएंगे। देखें जरा एक बार रिवाइज करते हैं हम ये। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, 2 लोगों के बीच में रिलेशन होता है, दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनता है और उनका कलेक्शन रिलेशन होता है। क्या डेफिनेशन दे रखी है रिलेशन की 11th क्लास में? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। और जब क्लास 12th में आ जाते हैं तो वहां पर ए और बी दोनों सेट एक ही हो जाते हैं। एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए सेट। तो ए सेट पर डिफाइन किया गया है तो फिर क्या होगा? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फिर आपका हो जाएगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। देखिए हमने एक क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ए सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? स्टूडेंट जरा रिकॉल करें और मुझे आंसर दें। जरा मैं देख रहा हूँ आपका लाइव चैट आपके सामने आ रहे हैं। 60 स्टूडेंट यहाँ पर हैं मेरे सामने। हाँ देखें, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक सेट है ए में, उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं और ए सेट्स पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। और ए रिलेशंस जो ए सेट पर डिफाइन किया गया है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशंस कितने बन सकते हैं? हाउ मेनी रिलेशंस, कितने रिलेशन बन सकते हैं ए सेट्स पर जिसमें कि 3 ही एलिमेंट्स हैं? तो रिलेशन होता क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। सबसेट होगा, कुछ लोगों को है ना ब्लर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, नेट की प्रॉब्लम होगी इसलिए ब्लर दिखाई देता है। यहाँ हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है और मैं खुद देख पा रहा हूँ, यहाँ एकदम साफ दिखाई दे रहा है मुझे, एकदम साफ दिखाई दे रहा है ये। आप अपने है ना वाईफाई को चेक कीजिएगा, वहाँ नेट की कुछ दिक्कत होगी इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए जरा शुरू करते हैं रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए में एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ए में एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे। और ए क्रॉस ए में अगर 9 एलिमेंट्स हैं, 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो उस पर रिलेशंस कितने बना सकते हैं? जितने उसके सबसेट्स हो सकते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power n, 2 to the power 9 मीन्स 512 हमारे रिलेशन बन सकते हैं अगर एक सेट में केवल 3 ही मेंबर्स हैं, तो 512 हमारे रिलेशंस बन जाएंगे। ये रिलेशन था हमारा। ए सेट से बी सेट में रिलेशन डिफाइन किया है तो क्या है वो?
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए पर डिफाइन किया गया था सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स हमने कई सारे देखे थे। पहला हमारा क्या था, एम्प्टी रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें कि कोई एलिमेंट्स किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा था यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल में क्या था, यूनिवर्सल था ए सेट्स के सारे एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल कैसा होगा, अगर वो रिलेशन एग्जैक्टली इक्वल है ए क्रॉस ए के तो यूनिवर्सल है। और इसके बाद तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमारे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। इसी में बीच में आ जाता था हमारा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, अगर ए सेट आपको दे रखा है, ए सेट ध्यान रखिएगा, ए हमेशा हम क्या ले रहे हैं, ये 1 2 3 ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए हम 1 2 3 लेके चल रहे हैं। और इस सेट्स पर अगर रिलेशन डिफाइन किया गया, और रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब उसके अंदर क्या आ जाए, केवल 1 1 2 2 एंड 3 3, ओनली 1 1 2 2 3 3 आएगा तो आइडेंटिटी होगा। रिफ्लेक्सिव का होगा जब उसमें 1 1 2 2 3 3 आए और साथ में कुछ और भी आ जाता है तो भी चलेगा, लेकिन आइडेंटिटी में नहीं चलेगा। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 ओनली, और रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 के साथ कुछ और भी आ सकता है, नहीं आता है तब भी वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कब होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है, वही रिलेशन बी का ए से है तो सिमेट्रिक होता है, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए बी, ध्यान दें यहां पर क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इज इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर तो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांसटिव की बात हमने क्या बताई थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इज इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये इसमें यहां ट्रांसटिव के केस में बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ट्रांसटिव नहीं है, स्टूडेंट्स अर्चना मैं आपको देख पा रहा हूं सभी को, विकास ये पढ़ ले, अदिति अदिति, स्टूडेंट्स आपको पर्सनल चैट नहीं करनी है यहां पर, आपको पूरा फोकस क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है, ध्यान से देखिएगा। तो ट्रांसटिव कब होता है, ट्रांसटिव हमारा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, और अगर ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाए, ए का सी से, फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन हो जाएगा तो रिलेशन अगर ऐसा है तो ट्रांसटिव होगा, और कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद फंक्शन, फंक्शन की हमारा क्या था, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब उस पर दो कंडीशन लगा दी जाए, पहली कंडीशन क्या है, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए, और दूसरे सेट्स के, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, फंक्शन कब होता है, कोई रिलेशन, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, रिलेशन के कुछ पर्टिकुलर टाइप ही हमारे फंक्शन होते हैं, केवल वो फंक्शन होते हैं जिसमें दो कंडीशन लगी हो, दो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। पहला क्या, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, इसलिए फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पहला वाला सेट होता है, और पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए लेकिन उनकी इमेजेस भी यूनिक होनी चाहिए तो फंक्शन होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन को हमने डिफाइन किया था कल, हमने डिफाइन किया था ये टाइप्स ऑफ फंक्शन को कि ए सेट और बी सेट्स, दो सेट दे रखे हैं, ए आपका क्या है डोमेन, डोमेन के बेसिस पर हमने बताया था मैनी वन और वन वन, एक एक से कनेक्ट है तो वन वन, बहुत सारे एक से कनेक्ट है तो मैनी वन, और सेट बी के बेसिस पर हमने बताया था ऑन टू और इन टू, सेट बी में अगर कुछ बिना जुड़े एलिमेंट्स रह जाते हैं तो इन टू, और नहीं रहते हैं तो ऑन टू, सारे कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑन टू, ये आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन में था। और आज का टॉपिक हमारा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखें स्टूडेंट बहुत शानदार टॉपिक है और आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। रियल लाइफ से कैसे, सपोज आप एग्जाम ट्वेल्थ में है, एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, लेकिन बोर्ड का एग्जाम देने से पहले आप जुलाई अगस्त में जाके आपको एनरोल होंगे, आपको रोल नंबर अलॉट होगा, सीबीएसई से रोल नंबर आपको दिया जाएगा, तो आपका नाम के साथ अटैच किया जाएगा आपका रोल नंबर। फिर आप पेपर देंगे, मार्च में जाके पेपर देंगे, और कॉपियाँ आपकी जब चेक होंगी तो चेक कब होती हैं, उसमें आपका रोल नंबर लिखा रहता है, लेकिन जब सीबीएसई के पास जाती हैं तो उस रोल नंबर के अगेंस्ट में एक कोड दिया जाता है, एक फेक नंबर दिया जाता है, उसके बाद वो कॉपियाँ हम टीचर्स के पास में आती हैं, हम टीचर चेक करते हैं, आपका वहाँ पर नाम और रोल नंबर नहीं होता है, लेकिन सीबीएसई ने जो आपके रोल नंबर के अगेंस्ट में एक कोड दिया होता है वो कोड हमारे सामने होता है, हम नहीं जस्ट चेक कर रहे हैं, तो ये इस तरह के कोडिंग की जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के नाम को पहले अलॉट किया है रोल नंबर से, फिर रोल नंबर को अलॉट किया हमने एक कोड से, और तब जाके कॉपियाँ चेक हो रही हैं। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता हो उसी कोड से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर भी ऐसे होता है, सपोज दो फंक्शन है आपके पास में, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है।
यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं, ये फंक्शन दे रखे सेट दे रखे हैं, सपोज ए सेट ये है, बी सेट ये है और सी सेट ये है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है और यहाँ जेड है, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए से बी में किस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो एक्स को वाई से कनेक्ट करता है अंडर द रूल एफ, एफ के द्वारा एक्स वाई से कनेक्ट होता है, तो कैसे लिखा जाएगा ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है आपको जो बी सेट से सी सेट में डिफाइन किया गया है, किस तरह से ये जी सच दैट बी टेंस टू सी, जी एक रूल है, एक फंक्शन है जो वाई को कनेक्ट करता है जेड से अंडर द रूल जी, कैसे बताया जाएगा इस बात को जी वाई इक्वल टू जेड, जी वाई इक्वल टू जेड। अब देखिए हम एक ढूंढना चाह रहे हैं क्या एक ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली ए के एलिमेंट को सी के एलिमेंट से कनेक्ट करता हो, जो एक्स को डायरेक्टली जेड से कनेक्ट करता हो, फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, एफ और जी का कंपोजिशन। एफ और जी का कंपोजिशन किससे डिनोट होगा आपका, ये एफ ओ जी से नहीं होगा, किससे होगा ये जी ओ एफ से। तो जी ओ एफ क्या है, जी ओ एफ एक एफ और जी का कंपोजिशन फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, जो ए सेट्स के एलिमेंट को सी सेट से इस तरह से ए टेंस टू सी में कैसे कनेक्ट करता है कि टू जेड, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जेड। अब कैसे करता होगा, अब जी ओ एफ क्यों लिखा गया, एफ ओ जी क्यों नहीं लिखा गया, स्टूडेंट्स उल्टा यहां दिखाई दे रहा है कि ए सेट से सी सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने वाला एक रूल, एक फंक्शन हमने क्या बोला है जी ओ एफ बोला है। जी ओ एफ क्यों, क्योंकि जी ओ एफ एक्स सबसे पहले किस पर अप्लाई होता है, एफ पर अप्लाई होता है, उसके बाद जो आएगा वो आपका जी पर अप्लाई होगा। कैसे देखें जरा, यहां पर जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू यहां दे रखी है वाई, और जी ओ वाई कितना है, जी ओ वाई जेड, इस तरह से आया जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जेड। अब तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं इस पर। स्टूडेंट्स 117 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, शालीमार बाग, अरुण गुप्ता, अंकुश सर, सेम फंक्शन नहीं ले सकते जैसे एफ नहीं, यस आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, हम सेम फंक्शन नहीं ले सकते जैसे एफ फंक्शन ले लें हम जी की बजाय, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एफ और एफ के बीच में भी हमारा फंक्शन होगा और उनका भी कंपोजिशन निकालेंगे एफ ओ एफ, हम भी क्वेश्चन करते हैं एफ ओ एफ भी निकालेंगे और जी ओ जी भी निकालेंगे। देखें स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लें, आपकी बुक का पहला ये एग्जाम्पल करते हैं हम ये, और देखें ये कंपोजिशन हमारा काम कैसे करता है। देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 कर रहे हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16, तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर, इसका दूसरा टॉपिक हमारा है, लास्ट टॉपिक है इनवर्टिबल फंक्शंस, आज ही हमारा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, आज हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा कंप्लीट, और इसको पूरा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम ये। देखिए यहां दे रखा है फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, एफ ओ जी, एफ ओ जी क्या है फंक्शन, लेकिन जब फंक्शन को लिखते हैं तो बिना सफिक्स के नहीं लिख सकते, बिना वेरिएबल के नहीं लिख सकते, तो वहां हम लगाते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स, लेकिन फंक्शन कौन सा होता है एफ ओ जी, एफ और जी का कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब आप समझ गए थे, ए से बी में एक फंक्शन दे रखा है, बी से सी में दूसरा फंक्शन दे रखा है, और एक ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली ए से सी में दे रखा हो उसको बोलते हैं एफ और जी का कंपोजिशन, किससे डोट करते हैं जी ओ एफ से। हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है, जबकि दे रखा है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, और एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉस एक्स, और यहां पर एफ सच, ये एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ आर टेंस टू आर, और जी एक्स इजकल टू, जी एक्स इजकल टू है 3x2, और पूछा जा रहा है एफ ओ जी और जी ओ एफ बताइए। शालीमार बाग, पुष्प विहार, गुड स्टूडेंट्स 121। देखें स्टूडेंट्स अब हमें एफ एक्स पता है, एफ एक्स पता है और जी एक्स पता है, स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में, 6 में तो कम ही आते हैं, 4 में ज़्यादा आते हैं। देखें अगर हमको निकालना है एफ ओ जी, एफ ओ जी एक फंक्शन है, एफ ओ जी का कंपोजिशन फंक्शन है, जब हमें निकालना होगा सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, बिना वेरिएबल के नहीं आएगा, वेरिएबल चाहे आप एक्स लें या फिर वाई लें, तो एफ ओ जी एक्स,
क्या होता है एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, कैसे बोलते हैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है जी एक्स की वैल्यू, थ्री एक्स स्क्वायर, रख दीजिए यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर। अब हमें सॉल्व करना है एफ ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, एफ एक्स हम जानते हैं एफ एक्स वैल्यू कॉस एक्स है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट निकालने से बच रहे हैं क्योंकि कई क्वेश्चन में बहुत भारी भरकम फंक्शन आ जाता है, वहाँ दिक्कत होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं क्या, एफ जेड, और बता देते हैं यहाँ पर कि वेयर जेड इज इक्वल टू क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर को नाम दे दिया एफ जेड, इससे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमको निकालने को कहा जा रहा है क्या, ये एफ जेड, एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू कितनी होगी देख लो आपको, अरे एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स तो एफ जेड, बड़ा आसान है अब तो, ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तो एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड, अब चुप जेड की वैल्यू लग जाए, जेड की वैल्यू कितनी है थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स निकल गया है कॉस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे निकालना आपको क्या ये जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स क्या, ये भी एक कंपोजिशन फंक्शन है, एफ और जी का कंपोजिशन फंक्शन है, और कैसे निकाला जाएगा ये जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है डायरेक्ट रख जाए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो दे रखा है, एफ ऑफ एक्स कितना है कॉस एक्स, रख जाओ यहाँ पर कॉस एक्स, और अब क्या कर जाए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट निकालने से बच रहे हैं, डायरेक्ट निकालने से स्टूडेंट बच रहे हैं। देखें स्टूडेंट, जी ऑफ कॉस एक्स, जी ऑफ कॉस एक्स निकालना है तो क्या कर देते हैं हम, ये यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं जी ऑफ कॉस एक्स को, जेड दे दें, वाई दे दें, कुछ भी नाम दे दें, जेड फिर से दे गए, और यहाँ बोल गए कि वेयर जेड इज इक्वल टू क्या है, अब जेड की वैल्यू है कॉस एक्स, जेड आपको अच्छा नहीं लग रहा है पहले दे चुके हैं तो आप वाई कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, ये एक बीच में एक ब्रेक लिया है हमने जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट करिए, लेकिन डायरेक्ट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जो आपके आएंगे वो बहुत ही मुश्किल से होते हैं फंक्शंस के अंदर, और डायरेक्ट अप्लाई करने में गलती हो जाती है, और ऐसे करेंगे आप कोसेक्स, कोसेक्स को आपने जेड मान लिया तो आपको निकालना क्या है केवल जी जेड, जी जेड, जबकि जी एक्स की वैल्यू पता है हमको, जी जेड यहां से निकल जाएगा, जी एक्स कितना है थ्री एक्स स्क्वायर, तो जी जेड कितना हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, थ्री जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है कोसेक्स, तो आंसर आ गया आपका ये थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसकी वैल्यू आई है, ये जी ओ एफ एक्स की वैल्यू आई है आपकी, ये देखें स्टूडेंट्स, तो हमने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया दोनों। अब इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, फोर मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है भी नहीं इक्वल, ये कॉस थ्री एक्स स्क्वायर है और ये थ्री कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम देखें यहाँ पर सिंस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल नहीं होता, ये इसके इक्वल नहीं होता, कॉस थ्री एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं है ये, अरे जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन भी इक्वल नहीं है, ये क्या था आपका, ये जी ओ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स। अब आप एक्स से फ्री हो जाइए, अब वेरिएबल से फ्री हो जाइए, फंक्शंस की बात कीजिए कि ये फंक्शन भी हमारे इक्वल नहीं है, जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, मैं स्क्रीन देख लेता हूँ उसमें आ भी रहा है ना, या नहीं आ रहा इतना, हाँ नीचे दिखा रहा है 125 स्टूडेंट्स, विकासपुरी शालीमार बाग, वेरी गुड। देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, उनको करते हैं आगे। देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.3, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, देखें सेकंड का सेकंड पार्ट, उस दिन बुक मुझे नहीं मिली थी, आज बुक मेरे पास है। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, आसान है बिल्कुल, ऐसे ही करना है हमें, देखा है एफ ओ जी और जी ओफ निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू देखा है 8x³ और जी एक्स इक्वल टू देखा है एक्स टू द पावर 1/3, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, केवल दो फंक्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है एफ ओ जी और जी एफ, बताइए अगर दो फंक्शन इस तरह से दिए जाएंगे और एफ ओ जी और जी एफ पूछा जाएगा आपसे तो, और वहां पर कुछ हमें डोमेन और रेंज की बात नहीं दी गई है, तो
पहले से ही ये हमारा पहले से प्री डिसाइडेड है कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइन करके नहीं दे रखा है तो माना जाएगा कि वो रियल नंबर से रियल नंबर में है। f सच दैट r टेंस टू r है और g सच दैट वो भी r टेंस टू r है, लिखा हुआ नहीं है कहीं भी यहाँ पर। और हमें निकालना क्या है, वही पहले की तरह एफ ओ जी और जी ओ एफ। तो निकालिए जरा एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स ये आपको दे रखा है, जी एक्स ये हो गया एक्स की पावर 1/3। हम क्या करते हैं इसको, हम f और करली ब्रैकेट और इसके अंदर जो भी दे रखा है उसको क्या मान लेते हैं, z। और यहाँ बता देते हैं कि वेयर z इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 1/3। आप डायरेक्ट कर सकते थे, मैं तो कर ही सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार देखा गया है डायरेक्ट करते हैं तो बहुत गलतियाँ होती हैं, इसलिए हमने एक बीच में पॉज ले लिया है, बीच में एक ब्रेक लिया है कि जो भी दे रखा है टेढ़ा मेढ़ा उसको हमने जेड मान लिया। अब बड़ा आसान दिखाई देता है ये एफ जेड निकालना है, जबकि आपको एफ एक्स की वैल्यू पता है, एफ एक्स कितना है, एट एक्स क्यू, एट एक्स क्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एफ जेड हो जाएगा आपका ये एट जेड क्यू, एट जेड क्यू। देखें स्टूडेंट्स एट जेड क्यू, अब एट की वैल्यू, अब जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी थी, एक्स की पावर 1/3 और इसका क्यूब। अब 1/3 की पावर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना है आपका ये 8x। ये तो आ गया आपका एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स की वैल्यू आ गई इतनी, एफ ओ जी एक्स। अब दूसरा क्या निकालना है आपको, एफ ओ जी निकालना, दूसरा आपको जी ओ एफ निकालना होगा, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रख जाइए यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये देखिए आपको, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एट एक्स क्यू, यहाँ रख जाइए एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स क्यू। अब करते क्या है हम, ये इसको जी की जगह जी लिखा है, करली ब्रैकेट जगह करली ब्रैकेट है, और ये एट एक्स क्यू के क्या नाम दे दिया, वाई दे दो, एक्स दे दो, डब्ल्यू दे दो, हमने फिर से जेड नाम दे दिया और बताया गया कि अब यहाँ पर जो जेड लिया है वो जेड का मतलब क्या है, एट एक्स क्यू है। जेड अगर आपको दोनों जगह सेम लगता है तो आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जेड की जगह वाई ले लें। अब आपको निकालना क्या है, जी जेड, और आपको जी एक्स दिया हुआ है, यहाँ से देखिए आप जरा, जी जेड निकालना है और जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स कितना है, एक्स की पावर 1/3, और जी जेड निकालना है तो क्या हो जाएगा ये, जेड की पावर 1/3। तो पावर यहाँ 1/3 और जेड की जगह जेड की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, जेड की वैल्यू कितनी है, 8xq, xq, इसका तो 1/3 पावर है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 2x। तो ये आया 8x और ये आया 2x, तो यहाँ भी क्या है, इक्वल नहीं है, f o g इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, यहाँ भी इक्वल नहीं है। स्टूडेंट आसान क्वेश्चन है ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखें एक दो क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, उनको देखें कैसे हो गए। देखें अब देखें एक क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले कर चुके हैं इस तरह का, और क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है। लेकिन इनको करने से पहले एक डेफिनेशन और दे रखी आपको, उसको देख लें, डेफिनेशन हमारी कौन सी, इसका नेक्स्ट टॉपिक 1.5 ये था, अब 1.6 लास्ट टॉपिक है ये 1.6, केवल 60 टॉपिक थे, पहला रिलेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ रिलेशन, तीसरा फंक्शन, चौथा टाइप्स ऑफ फंक्शन, और पांचवा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और छठा आपका है इनवर्टिबल फंक्शन। चैप्टर खत्म, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शंस, इनवर्टिबल फंक्शंस क्या देखा है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, एफ एक फंक्शन है ए से बी में, इज सेट टू बी इनवर्टिबल, इज सेट टू बी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल इफ, ए इनवर्टिबल कब होगा, अगर एक और फंक्शन आपको कहीं से मिल जाए जी फंक्शन, जो कहां से डिफाइन किया गया हो, अगर एफ फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया गया है और वो बी से ए में डिफाइन किया गया हो जी फंक्शन, और इस तरह से हो कि एफ और जी का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, जी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ एफ, और अगर एफ का इनवर्स उस केस में आ गया है जी, तो एफ कैसा कहलाएगा, इनवर्टिबल, एफ को बोलेंगे कि ये इनवर्टिबल फंक्शन है। इफ
देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन जी सच दैट बी टेंस टू ए, सच दैट किस तरह बी टेंस टू ए, इस तरह दे रखा है कि ये एफ ओ जी इजकल टू जी ओ एफ इजकल टू आइडेंटिटी, एफ ओ जी और जी ओ एफ इजकल टू आ जाए आइडेंटिटी आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो क्या बोलेंगे हम, ये एफ तो इन्वर्टिबल हो गए होगा लेकिन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स क्या होगा जी होगा, एफ इनवर्स जी होगा। और अगर एफ का इनवर्स जी है तो इसको उठा के रख जाओ यहीं पर ही, तो क्या बन जाएगा ये एफ ओ जी के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं आप, ये एफ इनवर्स, तो क्या आता है आपका आइडेंटिटी एफ ओ एफ इनवर्स, या फिर एफ इनवर्स ओ एफ भी क्या आता है आपका आइडेंटिटी। तो एफ और एफ का इनवर्स इन दोनों का कंपोजिशन लेंगे तो क्या आएगा आइडेंटिटी फंक्शन, क्लास 11 में पढ़ा था हमने आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ये आई एक्स इजकल टू एक्स, आई एक्स मतलब वाई इजकल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था आपका, ये फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन आपका। ये अगर निकल के आता है एफ ओ जी और जी ओ एफ इजकल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो एफ जी का इनवर्स है जी एफ का इनवर्स है, दोनों कैसे हैं इन्वर्टिबल हैं। देखते हैं क्वेश्चन इस पर कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए जरा देखें स्टूडेंट्स आपकी बुक का ही अच्छा क्वेश्चन देते हैं, पेपर में जो पूछा गया है आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, पहले करते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देखा 13 में एफ सच दैट आर टेंस टू आर और एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 ये दिया हुआ है। इसमें तो यहाँ पर के लिए हम बोल रहे थे बार बार जो जेड रख रहे थे वो इस वजह से रख रहे थे क्योंकि इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स और बहुत सारी जगह गलतियाँ करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर एफ ओ एफ, एफ ओ एफ पूछा जा रहा है तो एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, तो जैसे एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालते थे वैसे एफ ओ एफ भी निकालेंगे, तो निकाल दीजिए एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है रख जाइए जो भी है 3 माइनस एक्स की पावर 1/3 ये थी आपकी एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स आपको दिया हुआ है ये वैल्यू रख के इसको क्या मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको जेड, तो ये हो गया आपका एफ जेड और बता गए कि वेयर जेड इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3। अब जब देखें एफ जेड, एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू निकालनी है, एफ जेड की वैल्यू कहाँ से आएगी फंक्शन में दे रखा है, अरे यहीं से निकल के आएगी यहाँ एफ एक्स है और यहाँ एफ जेड है, क्या करना है x को z से रिप्लेस करना है, इसकी वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है इस फंक्शन की एट z, तो 3 माइनस जेड क्यू की पावर 1/3 एफ एक्स इसका ये है एफ जेड की वैल्यू बिल्कुल सेम यहाँ रख के आ गई x के लिए इसको z रख के। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जरा ये 3 माइनस जेड क्यू जैसे दे रखा है बिल्कुल आप पावर को ऐसी लगाइए, पावर को ऐसी लगाइए और z की वैल्यू चुप रख जाइए, z की वैल्यू कितनी है ये है z की वैल्यू कितनी है आपकी ये यहाँ पर है जेड क्यू तो q यहाँ लिख गए और z z के प्लेस में कितना है ये 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3 इस 3 से 3 कैंसिल हो गया ब्रैकेट और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ तो 3। अब इस ब्रैकेट को खोल दें बचा क्या आपका माइनस के अंदर होगी तो माइनस का 3 और प्लस का एक्स क्यू अब इस 3 से 3 भी कैंसिल हो गया और एक्स क्यू की पावर 1/3 तो कितना आ गया आपका ये x। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट एफ ओ एफ इजकल टू एक्स आ गया है, अगर एफ ओ जी इजकल टू क्या आता था एफ ओ जी इजकल टू आई आता था हम बोलते थे f का इनवर्स g है g का इनवर्स f है f इनवर्स इजकल टू g। और अगर यहाँ पर क्या हो गया एफ ओ एफ भी अगर x आ गया x का मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन तो इसका मतलब है कि एफ ओ एफ इजकल टू i है दैट मीन्स f का इनवर्स f ही है, f का इनवर्स f ही है, f का इनवर्स f है। देखें स्टूडेंट्स एफ ओ एफ ये क्वेश्चन था आपका, और भी एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपकी बुक का दे रखा है 1.3 एक्सरसाइज में और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे आते हैं। देखें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और
क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इजकल टू 4x plus 3 ओवर 6x minus 4, और x इज नॉट इक्वल टू 2/3, ये दिया हुआ है। और सो दैट यहाँ भी यही बताना जो हमने भी यहाँ किया था, यहाँ बताना यही है कि एफ ओ एफ एक्स इजकल टू एक्स बताना है, और फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, f का इन्वर्स क्या होगा। अगर एफ ओ एफ एक्स इजकल टू एक्स आ गया तो f का इन्वर्स f ही होगा, वो खुद अपना इन्वर्स होता है अगर एफ ओ एफ इजकल टू एक्स आ जाता है तो। अब निकालिए, एफ ओ एफ निकालना है, बड़ा आसान है। f और f का कंपोजिशन एफ ओ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रख जाए यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू 4x plus 3 और 6x minus 4, ये हुआ 6x minus 4, एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी वो रख दी यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम, ये इसको पूरे को एक साथ डील करना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान जाते हैं, अब ये एफ जेड बता के यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, वेयर जेड इजकल टू है 4x plus 3 upon 6x minus 4, ये आपकी जेड की वैल्यू है। अब देखिए हमें एफ जेड निकालना है, कैसे निकलेगा, अरे एफ जेड जो यहाँ दे रखा है इसी से निकलेगा, जो दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ जेड क्यों निकालें, यहाँ पर एक्स है यहाँ जेड है, बस इतना फर्क है। तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4z plus 3 upon 6z minus 4। अब चुप जेड की वैल्यू रख जाए, जेड जो आपने एज्यूम कर रखा है ये, इसको रख जाए यहाँ पर ये, तो 4 जेड की वैल्यू कितनी है 4x plus 3 6x minus 4 plus 3 upon 6, 4x plus 3 6x minus 4 minus 4, करें इसको सॉल्व, करें सॉल्व, हो पाएगा यहाँ पर, देखें यहाँ पर ये दो पहले नीचे कर रहे हैं इसको, ये 6x minus 4, 6 की मल्टी यहाँ करेंगे तो कितना आएगा ये 24x plus 18, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके कितना आएगा x आने वाला है, आंसर तो हमें पहले से पता है x आने वाला है, 6 की मल्टी यहाँ कीजिए तो क्या आएगा 24x plus 18, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाके एलसीएम लेंगे तो 4 में होगी, तो माइनस का 24x प्लस का 16, तो 24x ये कैंसिल हो गया। अब जरा न्यूमरेटर आ जाए तो यहाँ पर कितना आपका ये 6x minus 4, 4 की मल्टी यहाँ करेंगे तो आएगा 16x plus 12, इसकी मल्टी यहाँ जाके होगी, इसकी मल्टी यहाँ जाके कितना होगा आपका ये प्लस का 18x minus 12, इस 12 से ये 12 कैंसिल, इस न्यूमरे इससे ये 6x minus 4 से 6x minus 4 कैंसिल, तो कितना बचा है 16x plus 18x, कितना हो गया 34x, और नीचे कितना है 18 और 16 34, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका ये एफ ओ एफ एक्स इजकल टू एक्स आ गया। और अगर ऐसा आ जाता है तो क्या होता है, एफ का इन्वर्स क्या है, एफ का इन्वर्स एफ ही है, एफ का इन्वर्स एफ ही है। इन्वर्स को जरा और ढंग से डील करते हैं, इसमें देखें जरा इन्वर्स, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलने वाला है इन्वर्स ही है अगला वाला टॉपिक। क्यों नेक्स्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1.4 आपके अब सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में तो दिया हुआ है 1.4 एक्सरसाइज, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन हमारा अब सिलेबस से हट गया है, पिछले साल ही हट गया था, जो इस साल पेपर हुआ है उसमें भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं आया था, और अभी काफ़ी फेक हमारा चल रहा है कि ये जो तो इसको दोबारा से पढ़ा देंगे, अगर बाइनरी हमारा अगर ऐड हो गया तो दोबारा से इसको पढ़ाएंगे, नहीं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अब देखें जरा इसमें फर्स्ट चैप्टर की जितनी चीज़ें हैं जो आपको दुखी कर रही हैं उसको लेते हैं, आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, देखें जरा क्या है आपके क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं। सुधा अरोड़ा 100 स्टूडेंट्स, द्वारका सेक्टर, द्वारका, शालीमार, पूजा सैनी, थैंक यू मैम, शालीमार बाग, गुड। देखें स्टूडेंट जरा, ये हमारा हुआ। अब देखो इन्वर्स में देखें, एक दो क्वेश्चंस आप लेते हैं उसको, इन्वर्स का मतलब होता क्या है, इन्वर्स का बहुत सीधा सा मतलब है कि अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये ए है और ये बी है, और ये एक्स है और ये वाई है,
और फंक्शन आपको दे रखा है कि f such that a tends to b, एक फंक्शन दे रखा है जो a से b में दिया गया, x को y से कनेक्ट करता है, कैसे कनेक्ट करता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इनवर्स जो फंक्शन होता है वो कोई अफलातूनी चीज़ नहीं है, वो क्या होता है, वो इस सेट से इस सेट्स में होता है, एक इसको ऐसा ये हमारा होगा f इनवर्स क्या होगा b सेट से a सेट में होगा। तो f इनवर्स क्या है, एक फंक्शन है जो b से a में डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, अब क्या हो जाएंगे ये f इनवर्स आपका इस तरह से होगा, f इनवर्स के लिए ये b सेट जो है वो डोमेन बन जाएगा और ये कोडोमेन होगा, यहाँ से यहाँ जहाँ तक होगा, f इनवर्स के द्वारा y कनेक्ट होता है x से, और ये तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन हमारा f जो है वो क्या हो, 1-1 ऑन टू हो, 1-1 ऑन टू हो तभी हमारा ये इसका रिवर्स जो देखेंगे b से a में वो भी 1-1 ऑन टू होगा और फंक्शन भी होगा, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, बाकी और किसी केस में नहीं करेगा। और कैसे आएगा आपका ये, अरे y f इनवर्स के द्वारा कनेक्ट हो रहा है किससे, x से, तो इस बात को कैसे लिखते हैं, इस बात को आप लिखते हैं कि f इनवर्स y इजकल टू x। अब देखो यहाँ पर देखें ध्यान से, ये एफ एक्स इजकल टू y था क्योंकि x f के द्वारा y से कनेक्ट हो रहा है, और जब इनवर्स की बात करते हैं तो b सेट से a सेट में एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन वो कुछ भी नाम हो सकता था, g नाम हो सकता था, लेकिन हमने पता लगा कि वो अगर ऐसा है तो f o g और g o f क्या आते हैं, आइडेंटिटी आते हैं, तो हमने बोल दिया कि वो f इनवर्स है। तो f इनवर्स b सेट से a सेट में दे रखा है, तो f इनवर्स बच्चे समझते हैं, तो ये दे रखा है और ये दे रखा है, इस पे बच्चों की समझ में ये आता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, तो x यहाँ रह गया और ये कूदता फांदता यहाँ पहुँच गया, f यहाँ पहुँचेगा तो f की ये क्या था आपका, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये y तो यहाँ है और f यहाँ पहुँचा, 1/f ऐसे, और फिर इसको लिख दिया गया क्या, f इनवर्स y। इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक फंक्शन है, f a सेट से b सेट में फंक्शन है, तो उसका इनवर्स क्या होता है, उसका इनवर्स b से a में होता है, b से a में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको एक f फंक्शन दे रखा है जिसमें क्या आता है 1, 3, 2, 4 और 3, 5, ये देखा है आपको, अगर ये आता है तो आपको बताना है कि f का इनवर्स क्या होगा, f का इनवर्स सोचिए क्या होगा इसका, f का इनवर्स इसमें देखिए क्या होगा इसका, f का इनवर्स तनिष्क केवी शालीमार बाग कोमल बवाना, बवाना वालों को अब होश आया है, ओनली कोमल कुमार। देखिए स्टूडेंट्स, अगर f फंक्शन इधर रखा है तो इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स क्या होता है, अरे इस सेट से इस सेट में होता है, तो जब उसके ऑर्डर पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वो। अगर f फंक्शन का मतलब यहाँ पर है क्या, f फंक्शन का मतलब कि f फंक्शन के द्वारा 1, 3 से कनेक्ट है, 2 f के द्वारा 4 से कनेक्ट है, 3 f के द्वारा 5 से कनेक्ट है। अब f इनवर्स की बात करनी है तो उसमें रिवर्स करना है, इस सेट से इस सेट में करना है, तो क्या हो जाएगा, ये इनके ऑर्डर दे रखे हैं ऑर्डर पेयर के, इनको रिवर्स कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये 3-1 और 4-2 और 5-3, ये इसका क्या हो जाएगा, f इनवर्स इतना आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी आपको है तो आप क्वेश्चन रेज कीजिएगा, और ये क्वेश्चंस इन सबको देख सकते हैं आप दो जगह, आप KVSRO दिल्ली रीजन का जो हमारा YouTube चैनल है वहाँ पर ये सारे वीडियो देख सकते हैं आप, मैथ्स के नहीं, यहाँ दिल्ली के टॉप 25 एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के टॉप एजुकेटर्स दिल्ली के यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, और सभी के वीडियो लेक्चर जो है फेसबुक पर आप लाइव देख रहे हैं ये सभी यहाँ पर अपलोड होते हैं शाम को, यहाँ पर आप जाकर दोबारा फिर से देख सकते हैं, फेसबुक पर तो देख ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपका अपना चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक है, वहाँ भी जाकर आज ही हमने उस वहाँ पर एक रिलेशन फंक्शंस का ही पहला ही टॉपिक डाला है, 1 घंटे का वीडियो है, बड़ा ज़रूर है लेकिन समझिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ भी उस प्लेटफॉर्म पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ भी आप क्वेश्चंस को पूछेगा और जो जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसको हम यहाँ भी लेंगे, दोनों जगह दोनों का यूज करना है हमें। देखें जरा स्टूडेंट यहाँ पर, अब
अब एक क्वेश्चन और, 31, 42, 53 रिया ने सही आंसर दिया है। सर इमेज इज नॉट क्लियर, अब दो हो सकता है, मैं देख लेता हूँ, इमेज क्लियर है नहीं है, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स एकदम साफ दिखाई दे रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अगर इमेज क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो नेट की प्रॉब्लम है, आपके एरिया में नेट अच्छा नहीं है, आपके मोबाइल में नेट अच्छा काम नहीं कर रहा है, वाईफाई का यूज कीजिएगा। तो वहाँ पर अगर आप इसको ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे ही YouTube पर अपलोड होगा वहाँ जाके आप दोबारा से देख सकते हैं इसको। हो सकता है इसमें लाइव स्ट्रीम के लिए हमारा ये HD में रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास में नहीं आ रहा हो, तो बाद में जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब जरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए, देखें जरा। देखो जरा कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, ये दिया हुआ है, ये असाइनमेंट से टारगेट 70 और उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। F और G such that R tends to R, और फंक्शन कैसे दे रखा है आपको, FX is equal to है mod X plus X। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था और ये 6 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स में 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये। और GX is equal to दिया हुआ है mod X minus X, और आपसे पूछा गया जा रहा है आपको निकालना है FOG, GOF और FOG माइनस 3, GOF माइनस 2 एंड FOG 5। इसमें निकालना है, निकालिएगा इसको, ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं। कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने हैं तो इसको ट्राई कीजिएगा, अभी ट्राई करना शुरू कीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इसको बंद दे देते हैं और जरा कुछ क्वेश्चन लिखिए, 3-4 अच्छे क्वेश्चन लिखिए जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। और अगर जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आती है इस चैप्टर में तो कमेंट्स कीजिएगा, दोनों यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट्स कीजिएगा, उस कमेंट्स हम देख लेंगे, आपके क्वेश्चन समेत हम तक पहुँच जाएंगे, उसके आंसर देंगे अगली क्लास में। ये हमारा इसका तीसरा लेक्चर था और कल से आपका स्टार्ट होगा चैप्टर सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से थोरोली कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इन क्वेश्चन को कीजिएगा। देखिए जरा एक और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर नहीं करा रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये असाइनमेंट 1.1। देखें जरा यहाँ पर एक सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट्स पर एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया इस तरह से कि इसके अंदर रिलेशन के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांसटिव। अब सब कुछ नॉन है, तो इसका मतलब क्या, आपको केवल एग्जाम्पल देना है, एक एक एग्जाम्पल देके बताना है कि ये नहीं है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसटिव, ये ट्रांसटिव भी नहीं है। तो करना क्या है, जब भी आपको नॉट करना है, नो का आंसर देना है, उसको डिनाई करना है, तो केवल एग्जाम्पल देने होते हैं आपको। आपको रिलेशन ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल देके, एक सिंगल एग्जाम्पल देके आपको बताना है कि ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक सेट दिया हुआ है आपको, लेट ए, एक सेट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9, और यहाँ पर आर बी एनी रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। स्टूडेंट ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक रिलेशन डिफाइन करते थे ए सेट पर डिफाइन करते थे, रिलेशन होता क्या था, ए क्रॉस ए का सबसेट होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ए सेट दिया हुआ है और ए क्रॉस ए निकालना, और ए क्रॉस ए में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, उस ऑर्डर्ड पेयर पर रिलेशन दे रखा है। तो ऑर्डर्ड पेयर पर रिलेशन का मतलब क्या हुआ,
कि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से करेक्टेड है किसी रिलेशन द्वारा, वही रिलेशन दे रखा है। देखें क्या है यहाँ पर, ए रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए एज, क्या दे रखा है रिलेशन, ए बी रिलेटेड सी डी। ध्यान दें यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से कनेक्टेड है अंडर द रूल, अंडर द रिलेशन आर। और कैसे कनेक्टेड है ये, कनेक्टेड है आपका ये कि ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी, ये इस तरह से दिया हुआ है आपको ये। इफ, अब आपको बताना है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और एक और मजेदार बात इसमें पूछी गई है ये, एंड आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2-5 एंड फाइंड इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखते हैं आप ये, इस ऑर्डर्ड पेयर 2-5 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो इस देखो इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, ये टॉपिक हमारा कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा हमारे एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक जरूर डिस्कस किया है एग्जाम्पल के अंदर में। कैसे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, अगर किसी रिलेशन द्वारा कोई भी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास पूछी जा रही है, सपोज वन की पूछी जा रही है इक्विवेलेंस क्लास, तो हमें देखना होता है कि वन कितने एलिमेंट से कनेक्टेड है। वन जिस जिस एलिमेंट से कनेक्ट है उन एलिमेंट्स का कलेक्शन वन की इक्विवेलेंस क्लास होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, तो 2.5 जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ये 2.5 जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर और कितने ऑर्डर्ड पेयर से, यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 से लेकर 9 तो दे रखे हैं, 9 into 9 81, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो 2.5 कितने ऑर्डर्ड पेयर से कनेक्टेड है इस रूल द्वारा, इस रिलेशन द्वारा। तो 2.5 जिस जिस से कनेक्टेड है वो ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखने हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होगा, उनका जो सेट होगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। बहुत कभी कभी रियली क्वेश्चन से पूछा जाता है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है। स्टूडेंट एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लें। युगल, थैंक यू युगल, एक्सप्लेनेशन वेल। सैम जॉर्डन वॉचिंग। संगीता गोयल, ग्रेट सर, ग्रेट सर, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए हमारा टाइम हो गया है, और एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं एक मिनट के अंदर, खत्म कर रहे हैं एक मिनट में क्लास को, कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने टोटल 6 टॉपिक्स थे, बाइनरी ऑपरेशन हमारे सिलेबस में इस समय नहीं है, जब अगर इंक्लूड हो गया अगर लॉकडाउन के बाद में, तो उसको दोबारा देखेंगे। और कल से हम इनवर्स जुगो फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आइएगा, ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्म में आपको याद होंगे तो इनवर्स फंक्शन में आसानी होगी। एक बार फिर से देखें, 1.1 में था हमारा रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उसके बाद में 1.2 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन, वहाँ पर 6 टाइप्स पढ़े थे, पहला एम्प्टी, फिर दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर था ट्रांजिटिव। और अगर एक और दे रखा सातवां इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तीन रिलेशन की प्रॉपर्टी अगर कोई रिलेशन दिखाता है, अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ये रिलेशन में था टाइप्स ऑफ रिलेशन, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या था आपका, फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए दो कंडीशन थी, उसके पहले सेट्स के एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। और दूसरा हमारा क्या था, टाइप्स 1.4, सॉरी चौथा पॉइंट हमारा था 1.4, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने फंक्शंस के टाइप्स गिनाए थे, कैसे क्लासिफाई किया था, पहले वाले सेट्स को देखकर दो टाइप बताए थे, 1-1 और मैनी वन, और बी सेट्स को देख के बताया था इनटू और ऑनटू, और इससे हमने कम्बिनेशन से बहुत सारे फंक्शन बनाए थे। 1-1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑनटू को सब्जेक्टिव बोलते हैं, और अगर कोई फंक्शन 1-1, 1-2 है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव का 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, ये हमारा था। और आज का टॉपिक हमारा क्या था, 1.5 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, और उनका कंपोजिशन, और उनका कंपोजिशन सागर। थैंक यू टू ऑल, आपका थैंक यू आ रहा है, वेरी गुड। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन कंपोजिशन एफ ओ जी और जी एफ आज हमने निकालना सीखा था। और इसी में आता है इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन हमारा 1.6 लास्ट टॉपिक था। एफ कोई फंक्शन है और एफ इन्वर्टिबल कब होगा, अगर कहीं से निकल के आ जाए जी फंक्शन और एफ और जी की घुटमुट करें, घुटमुट का मतलब एफ ओ जी आइडेंटिटी आ जाए, जी एफ निकालें वो भी आइडेंटिटी आ जाए, तो एफ का इन्वर्स जी, जी का इन्वर्स एफ, बोथ आर इन्वर्टिबल फंक्शन। ये हमारा टोटल टॉपिक था, इक्विवेलेंस क्लास हमारा हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर, नेहा थैंक यू, सुधा अरोड़ा थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स सभी को है ना ज्वाइन करें, केवल अपने केवी में नहीं बाकी और केवी में सबको बताएं कि क्लास हमारी लाइव है और सेकंड चैप्टर हमारे स्टार्ट होगा। जो आपकी प्रॉब्लम होंगी तो आपको अजय मैथ्स क्लिनिक और केवीएस आरओ दिल्ली लाइव वन दोनों पर वीडियो देखकर वहां कमेंट्स करना है, कमेंट्स को हम देखेंगे, क्वेश्चंस को लेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। ये कहाँ से आ जाते हैं ये।